हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हेमास किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और सात्विक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, पिचका अरबी की। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से अरबी बनाकर देखिए तो आपके घर में इतना पसंद करेंगे ना इसको, और आप भी इसको इतना पसंद करेंगे कि आप अरबी बार बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये 1/2 kg अरबी ली है और उनको अच्छे से वॉश करके, यानी मिट्टी वगैरह जो भी है निकाल कर, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। और उनको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, यानी वो गल जाएँ जब भी हम उनको निकाल लेंगे। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 सीटी लगाई थी तो उसमें ये हो गई थी। और फिर मैंने उनको अच्छे से छील लिया है, यानी एकदम क्लीन कर लिया है। और अगर जो बड़ी अरबी है, या तो पहले आप देख के लीजिए कि आप सभी एक साइज़ की लें। अब मुझे नहीं मिली 1 साइज़ की, तो मैंने यहाँ पर कुछ बड़ी है कुछ छोटी हैं, तो मैं सभी को 1 साइज़ यानी मीडियम साइज़ का कर रही हूँ। और इसी तरीके से अब ये ठंडी हो चुकी हैं फ्रेंड्स, बॉयल करने के बाद मैंने इनको ठंडा भी कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, मोटी तली का पैन है फ्रेंड्स ये, और इसी में मैं सब्जी को छौंक भी लगा दूंगी। और मैं उसमें इसको मतलब तेल को अच्छे से गरम करके, और इस जो मैंने अरबी बॉयल करके रखी है ना, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हम एकदम हाई पर रखेंगे, क्योंकि अरबी हमारी गली हुई है और हमें सिर्फ इसके ऊपर जो है एक कोट करना है, यानी सुनहरा सा जो होता है ना, एक कोटिंग सी हो जाए फ्राई करने के बाद अरबी, वैसे हमें करनी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि गैस की फ्लेम को हाई पे करके रखिए। और यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा भी ऑयल खाते हैं ना, आप उसमें इसको फ्राई कर सकते हैं इसी तरीके से अलट पलट के। और शुरू में ना आप कोशिश कीजिए इसमें ज़्यादा कड़छी ना लगाएं, क्योंकि ये क्या होगा कि अभी ये गली हुई है अरबी, और अगर आप बॉयल करें ना तो इनको ध्यान रखें कि ज़्यादा इनको गलाएं ना, खड़ी खड़ी सी रखें थोड़ी सी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ना ऐसे, और गैस की फ्लेम अभी भी हाई पर है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको बस मैं थोड़ा सा और फ्राई करूँगी, यानी कि कोई कुछ पीस जो है ना अभी थोड़े से गोल्डन कलर में नहीं आए हैं कुछ पीस, तो मैं उनको भी गोल्डन कलर तक करूँगी, उसके बाद इसको जल्दी से निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इनको फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं और ठंडी भी हो चुकी हैं। ये सब में एक ना कोटिंग जैसी हो गई है फ्राई करने के बाद, हमें यही चाहिए। इस तरीके से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, 1/2 किलो अरबी के लिए अब हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया इसमें। 1 चम्मच भरकर मैंने जो सूखा धनिया होता है ना, वो वाला धनिया पाउडर यूज़ किया है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर यूज़ किया है, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सारे मसाले घर के पिसे हुए हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आप अपने मसालों को जैसे आप यूज़ करते हैं, आपको पता है कि वो कितना टेस्ट देंगे, तो उस हिसाब से आप मसाले इसमें यूज़ कीजिए। अब मैं इनको थोड़ा सा पानी डाल कर ना पेस्ट बना लूँगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हम इसमें कोई प्याज या टमाटर वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट इसको डालने पर ना मसाले जलेंगे नहीं। इस तरीके से इसका एक मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब उसी वाले पैन में मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसको निकाल दिया है। फ्रेंड्स, मैंने वही वाला ऑयल यूज़ किया है, उसी में से जिसमें मैंने फ्राई किया था ना। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच भरकर अजवाइन और 1/2 चम्मच यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ। और ये वाला मैं आपको जो स्पून दिखा रही हूँ ना, ये वाले 2 से 1.5 चम्मच ऑयल लिया है, क्योंकि हम जब फ्राई कर रहे हैं उसको तो उसमें काफ़ी क्वांटिटी में ना ऑयल आ जाता है। और अब मैंने जो पेस्ट बना के रखा था मसालों का, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम मसालों को भून लेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस प्रोसेस को करेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मसाले अब हमारे भुनने की स्टेज पर है। साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कीजिए इसमें। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर कम से कम 5 से 6 चम्मच जो है बड़ा वाला, वो मैं दही यूज़ कर रही हूँ। दही फ्रेंड्स, ये एकदम गाढ़ा वाला दही है, और कोशिश कीजिए आप इसमें फ्रेश दही यूज़ कीजिए। और उस दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, यानी बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पानी था ना फ्रेंड्स, वो मैंने निकाल दिया था, बिल्कुल गाढ़ा दही है ये।
अब इसके अंदर फ्रेंड्स ये जो हमारा मसाला है, अभी हल्दी वगैरह इसमें ऑलमोस्ट भून चुकी हैं, इसे ज़्यादा हम पतला नहीं मतलब सुखाएंगे नहीं इसका पानी, उसी टाइम पर मैंने इसमें सारा जो फेटा हुआ दही है वो डाल दिया है। इसको अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को हम इस टाइम पर लो कर देंगे और इसको कॉन्टीन्यूस चलाते रहेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, हींग डाल रही हूँ फ्रेंड्स, हींग इसमें ज़रूरी है, अरबी भिंडी वगैरह इस तरह की चीज़ों में आप हींग ज़रूर यूज़ कीजिए, और कोशिश कीजिए आप इसमें अजवाइन भी ज़रूर यूज़ करें। अब यहाँ पर मैं आधा चम्मच के आसपास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको लगता है ज़्यादा डालने की ज़रूरत है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स वैसे मैंने थोड़ा सा इसमें आगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और भी डाला था आधा, तो आप इसमें एक चम्मच डाल दीजिए। अब ये जो अरबी हमने फ्राई करके रखी थी ना फ्रेंड्स, इनको हम क्या करेंगे इस तरीके से ऐसे इनको हम हाथ से दबा लेंगे, यानी इसको पिचका लेंगे फ्रेंड्स, इसी वजह से इस सब्जी का नाम पिचका अरबी है। ये देखिए अरबियों को इस तरीके से हम हथेली में रख के, या आप इसको चकले पे या किसी और चीज़ पर रख कर ना चॉपिंग बोर्ड पर रख कर इसको ऐसे पिचका लेंगे, दबा लेंगे इनको, ये देखिए इस तरीके से। तोड़ना नहीं है, पूरा एक पीस रहेगा बट वो पिचक जाएगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ना इसी तरीके से, ये देखिए इसी तरीके से सारी अरबियों को हम इस तरह से पिचका के रख लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो मसाला है ना ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सा लटपटा रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी या दही की क्वांटिटी आप डाल सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और जो ये तरीका है, जितना मैंने इसमें क्वांटिटी रखी है दही की और थोड़ा पानी की, तो उस क्वांटिटी के अंदर फ्रेंड्स ये एकदम कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। अगर आप इसे लटपटा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर पानी आप और थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सारे जो अरबी के पीसीज हैं ना जो पिचका के रखे हुए थे वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। इस टाइम पर आप थोड़ा सा ना पानी इसमें और ऐड कर लीजिए अगर आप इसको लटपटा बनाना चाहते हैं। और अगर दही यूज़ करना चाहते हैं तो दही इसमें ना खट्टा वाला यूज़ ना करें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी हो जाएगी। फ्रेश दही एकदम जो खट्टा ना हो वो वाला भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा दही और थोड़ा पानी यूज़ कर लीजिए, ये लटपटी बनकर तैयार हो जाएंगी। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है हाफ चम्मच, आप उसी टाइम पर जब आपने पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी ना तो आप उस टाइम पर एक चम्मच भरकर डाल दीजिए। अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी टेस्टी सब्जी लग रही है पिचका अरबी की। फ्रेंड्स ये जितनी टेस्टी दिख रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप एक बार ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पिचका अरबी की पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखेंगे और मेरे साथ अपने जो रिव्यूज़ हैं वो शेयर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। और जो बेल आइकन है वो एकदम फ्री है फ्रेंड्स, आप उसे ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे ये भी बताइए मैं आपके लिए और कौन सी रेसिपी ट्राई करके दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।